बालक, ये जो क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड पर दिख रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। ज़्यादातर बच्चों को इस क्वेश्चन में बालक दिक्कत होता है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसे सीख लो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन तुम डायरेक्टली कर दो, है ना। कॉन्सेप्ट को पहले समझोगे बालक। देखो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड रैंडमली हैज 53 संडे। मजेदार बात बालक ये है कि 53 संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, है ना, 53 वेडनेसडे हो, कुछ भी हो, आंसर सेम आने वाला है। वो क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लोगे और उसके बाद डायरेक्ट आंसर को टिक कर दोगे। ध्यान से समझोगे बालक, 53 संडे होने का प्रोबेबिलिटी कितना है और बात है लीप ईयर। सबसे पहले लीप ईयर किसको बोलते हैं, बात क्लियर है। ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो, जैसे 2016 ये 4 से डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर था। 2020 ये भी एक लीप ईयर था क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। अगला लीप ईयर कौन सा होगा बालक, 2024। लीप ईयर का खास बात क्या है कि इसमें 366 डेज होता है। नॉर्मल ईयर में 365 डेज बालक और लीप ईयर में 366 डेज बालक। ध्यान से समझोगे, अगर लीप ईयर वाले साल में कितना वीक्स होगा, कितना वीक होगा, अगर ये निकालना है तो बालक हर एक वीक में 7 डेज, 7 से अगर तुम 366 को डिवाइड करोगे तो ये बालक 52 बार में, डायरेक्ट बना रहे हैं, 52 बार में 364 आ जाएगा, 364 रिमाइंडर 2 बचेगा। मतलब ये है कि लीप ईयर में ध्यान से समझोगे, टोटल हमारे पास 52 वीक्स होता है, है ना, और प्लस 2 डेज होता है, 2 दिन होता है, समझ में आ रहा है ना। तो बालक 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछा जा रहा था, 53 संडे आने के लिए, है ना, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो बताओ 52 वीक्स है तो एक बात तो कंफर्म है कि 52 संडे तो आएगा क्योंकि हर एक वीक में एक संडे, बात क्लियर है। 52 वीक्स है तो एक उस साल में जो भी लीप ईयर वाला था, जो भी रैंडमली तुम सेलेक्ट किए थे लीप ईयर, उसमें एक बात तो कंफर्म है ना बालक कि तुम्हारे पास 52 वीक है तो 52 संडे आएगा। अब ये जो 2 दिन बच गया ना, यही डिसाइड करेगा कि 53 वा संडे, 53rd संडे आएगा या नहीं आएगा। ये 2 दिन पहले से इसीलिए हम लिस्ट बना लिए थे। अब बताओ ये जो 2 दिन लीप ईयर में एक्स्ट्रा आ रहा है 52 वीक के बाद, ध्यान से समझोगे, इस 2 वीक में हो सकता है कि पहला दिन संडे आ जाए, दूसरा मंडे आ जाए, हो सकता है कि पहला दिन मंडे फिर ट्यूजडे आ जाए, रैंडमली आएगा, है ना, रैंडमली नहीं बोलेंगे इसको, सीक्वेंस में आएगा, बोलेंगे सीक्वेंस में आएगा। मतलब ये है कि ये 2 दिन में पहला संडे मंडे हो सकता है, या मंडे आएगा तो अगला ट्यूसडे हो जाएगा। अगर ट्यूसडे आता है पहला दिन, यानी कि 365 डेज अगर ट्यूसडे आता है तो 366 क्या होगा, वेडनेसडे होना पड़ेगा, है ना। तो यही चांसेस बनता है, ये 2 दिन का यही 7 चांसेस बनता है बालक, यही 7 चांसेस, बात क्लियर है ना। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। ये बात डिपेंड कर रहा है कि जो 364 डेज है वो क्या है। अगर वो मंडे है तो 365 वाला ट्यूसडे हो जाएगा और 366 वाला वेडनेसडे हो जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आई होप, कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो बालक 52 वीक में 52 संडे तो हो गया, अब बच गया 2 दिन, 2 दिन में ही हम लोग को निकालना है। ये 2 दिन बालक इस तरीके से आ सकता है, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम फॉर 2 डेज 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। अब इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि संडे कितना है, टोटल आउटकम्स कितना है बालक, 7। मतलब 2 दिन जो बच गया इसका टोटल आउटकम 7 हो सकता है। तो नीचे में क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, 7, ये तो तुम जानते होगे, है ना। अब देखेंगे कि संडे कितना में है, संडे एक यहाँ है बालक और एक यहाँ है, मतलब 2 ऐसा इवेंट है जहाँ पर संडे आ सकता है, 2 ऐसा है, है ना। तो यहाँ पर टोटल आउटकम्स में से 2 है जहाँ संडे आ सकता है, तो न्यूमरेटर में हम लोग 2 लिख लेंगे, बात क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा बालक 2/7। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अगर 53 संडे पूछे, 53 मंडे पूछे, 53 ट्यूसडे पूछे, कोई भी डे पूछे, 53 अगर लीप ईयर में पूछ रहा है तो तुम्हारा आंसर 2/7 ही होगा, बात क्लियर है। लास्ट टाइम इसे बढ़िया से देख करके जाओगे, हम तो बोलेंगे अब लास्ट टाइम एग्जाम का आ गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाओ, कि अगर 53 संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी पूछ दिया बालक 2/7 टिक करके आ जाओगे बालक। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, अगर नॉर्मल डेज में पूछ दे, नॉर्मल ईयर में अगर तुमसे पूछ दे कि 53 संडे आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तुम दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर अच्छे से समझे हो तो वो बना दोगे, वहाँ 2/7 आंसर नहीं टिक करोगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन अभी तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो 53 संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी हो जाएगा बालक, है ना। 53 मतलब होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 हो जाएगा। तो बालक इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को विजिट करो, डिस्क्रिप्शन को चेक करो, तुम्हारे टर्म 1 क्लास 10th एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारा
कंटेंट इस चैनल पर अपलोड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को देखते हुए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बालक जाकर के विजिट करो और बेनिफिट उठाओ चैनल का। मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।